वेलकम फ्रेंड्स, अंजलि किचन कुक में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए बना के लाई हूँ आम पापड़। आम पापड़ खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। मैंगो का सीजन है तो इसे घर में बनाना काफ़ी आसान है, या मार्केट में आसानी से मिल भी जाता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना। आम के पल्प 500 ग्राम मैंने आम के पल्प लिए हैं। मैंने यहाँ पे 750 ग्राम पके आम लिए थे, जिन्हें मैंने अच्छे से छील लिया और काट लिया, और इसकी गुठली को जब मैंने निकाला तो ये टोटल 500 ग्राम पल्प निकले हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ चीनी 100 ग्राम और 2 चम्मच हम लेंगे रिफाइंड ऑयल। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक जार लिया हुआ है। इस जार में हम इस आम के पल्प को डाल देंगे। अब इसे एक महीन सा पेस्ट हम बना लेंगे। तो देखिए, मैंने इसका एक महीन सा पेस्ट बना लिया। तो इस तरह से देखिए, आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना महीन सा पेस्ट बन गया है, बिल्कुल भी इसमें रेसे भी नहीं है। तो इसी तरह का हमें पेस्ट बनाना है। अब हम गैस की तरफ जाएंगे और इसे पकाएंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है। इस पैन में हम ये जो आम का जो हमने पेस्ट बनाया था ना, वो डाल देंगे। अब इसे इस तरह से हम चलाएंगे। गैस के फ्लेम को मैंने अभी लो मीडियम में रखा हुआ है। अब यहाँ पे जो हमने चीनी ली थी वो डाल देंगे और इसे अच्छी से हम इसके साथ मिला लेंगे और मेल्ट करेंगे। इस तरह से हम इसे लगभग 7 से 8 मिनट तक पकाते रहेंगे। तो देखिए, यह हमारा सीजना चालू हो गया है। लगभग 5 मिनट हो गए इसे चलाते हुए। अब इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। 1 चम्मच इसमें हम ऑयल डाल देंगे और इस तरह से इसे हम चलाएंगे फिर से। तो जब तक इसे हम चलाएंगे 7-8 मिनट तक, तो आप देखिएगा कि ये थोड़े थोड़े ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो समझ जाइएगा ये हमारा पक चुका है। 5 मिनट हो गए इसे चलाते हुए, ये ट्रांसपेरेंट होना चालू हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए किस तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुका है। इस तरह का हमें इसे ट्रांसपेरेंट जैसा बनाना था। अब इसे हम सिर्फ 2 मिनट और चलाएंगे, उसके बाद गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। तो देखिए, 2 मिनट और हो चुके हैं, हमारा यह आम अच्छी से पक चुका है। अब हम गैस को फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे अब ठंडा करेंगे। देखिए, मैंने इसे गैस से उतार लिया है, हल्का सुसुम गर्म हो चुका है। इसे हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। तो मैंने एक थाली ले ली है, जिसे ब्रेड बोलते हैं, इसे हम इसमें अच्छी से ऑयल लगा देंगे। इसमें हम चारों तरफ अच्छे से ऑयल लगा देंगे ताकि जब हम आम पापड़ का ये पेस्ट डालें ना, तो इसमें चिपके ना। अब ये जो आम पापड़ का पेस्ट हमने बनाया था, वो इस थाली में हम डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से फैला लेंगे पूरी थाली में। इसे मैंने थाली में अच्छे से इवनली इसको स्प्रेड कर दिया है, फैला दिया है। अब इसे हम धूप में 2-3 दिन के लिए रख देंगे। आम पापड़ बनके रेडी हो चुका है। मैंने इसे 2 दिन धूप में अच्छे से रखा था, उसके बाद ये अच्छे से सूख चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से देखिए, जब इसे हम निकाल रहे थे आसानी से निकल जा रहा है। देखिए, तो यह हमारा बन चुका है। अब इसे हम स्लाइस में काटेंगे। तो देखिए, मैंने इसे स्लाइस में काट लिया आम पापड़ों को। अब एक प्लेट में से हम निकालेंगे। तो देखिए, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। तो अगर आपको मेरा ये आम पापड़ वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।